हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास फिफ्थ इंग्लिश वर्कशीट वीक 25 टॉपिक साइलेंट लेटर्स पार्ट 2। आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 25 टॉपिक साइलेंट लेटर्स पार्ट 2। साइलेंट लेटर्स। A silent letter is a letter that is included in a word but isn't pronounced. Silent letter वह letter होता है जिसे word में शामिल तो किया जाता है पर उसे बोला नहीं जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है. Today we will learn about silent letters KLNPT. आज हम silent letter KLNPT के बारे में जानेंगे. तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं. रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन राइट इन योर नोटबुक. नीचे दिए गए वर्ड्स का तेज उच्चारण कीजिए और फिर अपनी नोटबुक में लिखिए. आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक टेबल बनी हुई है जिसमें साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं. चलिए पहले साइलेंट के लेटर वाले वर्ड्स पढ़ते हैं. नी, नो, Not, knowledge, knife. आपने देखा इन सभी वर्ड्स में के साइलेंट है. चलिए अब साइलेंट एल वाले वर्ड्स पढ़ते हैं. Walk, talk, chalk, half, fork. इन सभी वर्ड्स में एल साइलेंट है. अब एन साइलेंट वाले वर्ड्स पढ़ते हैं. Autumn, column, government. इन सभी वर्ड्स में एन साइलेंट है. अब साइलेंट पी वाले वर्ड्स पढ़ते हैं. कबर्ड, न्यूमोनिया, रास्पबेरी. इन सभी वर्ड्स में पी साइलेंट है. अब साइलेंट टी वाले वर्ड्स पढ़ते हैं. मैच, वॉच, ऑफन, क्रिसमस, कैसल. इन सभी वर्ड्स में टी साइलेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन वन. आई एम अ साइलेंट लेटर बट द वर्ड्स आर इनकम्प्लीट विदाउट मी सो फिल मी एट द करेक्ट प्लेस टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. मैं एक साइलेंट लेटर हूँ पर मेरे बिना शब्द अधूरा है, इसलिए मुझे सही स्थान पर फिल करें. यहाँ बॉक्स में कुछ साइलेंट लेटर्स दिए हुए हैं KLNPT. हमें सही लेटर को ब्लैंक में फिल करना है. तो चलिए ब्लैंक में सही साइलेंट लेटर फिल करते हैं. एफ ओ, यहाँ एल लिखेंगे, बनेगा फॉक. सेकंड, ऑटम, यहाँ एन साइलेंट लेटर आएगा. रास्पबेरी, यहाँ पी साइलेंट लेटर लिखेंगे. वॉच, यहाँ टी साइलेंट लेटर लिखेंगे. नो, यहाँ के साइलेंट लेटर लिखेंगे. चॉक, यहाँ एल लिखेंगे. नॉट, यहाँ के साइलेंट लेटर लिखेंगे. लिसन, यहाँ टी लिखेंगे. नाइफ, यहाँ के साइलेंट लेटर लिखेंगे. सॉफन, यहाँ टी साइलेंट लेटर लिखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन टू. फाइंड द ओड वन आउट. वन एग्जांपल इज डन फॉर यू. निम्न सेंटेंसेस में ओड वन आउट करिए. पहला एग्जांपल के लिए किया गया है. फर्स्ट सेंटेंस में वॉक को ओड वन आउट सर्कल किया गया है बिकॉज वॉक डब्ल्यू से स्टार्ट है. बाकी लायन, लैम, लैफ ये सभी एल से स्टार्ट हैं. सेकंड, नेस्ट, नाउ, ऑटम, न्यू, यहाँ ऑटम ओड वन आउट है, सर्कल करेंगे. थर्ड, पैन, प्ले, प्राइम, कबर्ड, यहाँ कबर्ड ओड वन आउट है, सर्कल करेंगे. फोर्थ, वॉच, टीम, टॉय, टॉम, यहाँ वॉच ओड वन आउट है, सर्कल करेंगे. फिफ्थ, काइट, नाइफ, की, कैप्ट, यहाँ नाइफ को सर्कल करेंगे, ओड वन आउट है क्योंकि इसमें के साइलेंट है. सिक्स्थ, मैच, कैसल, क्रिसमस, हाफ, यहाँ हाफ ओड वन आउट है, सर्कल करेंगे क्योंकि बाकी तीन में टी साइलेंट है और हाफ में एल साइलेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
क्वेश्चन 3, सॉल्व द पजल। यहाँ एक पजल दिया गया है, हमें उसे सॉल्व करना है। नीचे हिंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट, यू स्टडी हेयर, तो बच्चों आप कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में। तो फर्स्ट ऊपर एस दिया हुआ है, तो यहाँ स्कूल बनेगा। सेकंड, यू कीप योर थिंग्स इनसाइड इट, आप अपनी चीज़ें इसके अंदर रखते हैं, तो यहाँ बनेगा कबर्ड। थर्ड, हाफ, एच ए एल एफ, हाफ। फोर्थ, इट इज़ अ सीज़न, यह एक सीज़न है, तो फोर्थ में आप देखेंगे कि कौन सा सीज़न बनेगा, ऑटम, तो यहाँ ऑटम बनेगा। फिफ्थ, इट इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th December। 25th December को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? राइट, क्रिसमस, तो यहाँ क्रिसमस लिखेंगे। सिक्स्थ, वी कट वेजिटेबल्स विद इट, हम इससे सब्जियाँ काटते हैं, तो क्या बनेगा? नाइफ, राइट, आपने सही पहचाना, तो यहाँ नाइफ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन देम। दिए गए शब्दों का तेज उच्चारण कीजिए और साइलेंट लेटर को सर्कल कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उन वर्ड्स को तेज आवाज़ में पढ़ना है और उसके बाद दिए गए साइलेंट लेटर को सर्कल करना है। फर्स्ट, नी, के साइलेंट है। सेकंड, डाउट, बी साइलेंट है। थर्ड, लिसन, टी साइलेंट है। फोर्थ, वाइट, एच साइलेंट है। फिफ्थ, फॉरेन, जी साइलेंट है। सिक्स्थ, नो, के साइलेंट है। सेवन्थ, टॉम, बी साइलेंट है। एट, सैंडविच, डी साइलेंट है। नाइन्थ, डिज़ाइन, जी साइलेंट है। टेंथ, नॉक, के साइलेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, चूज एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन अबव एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस विद देम। ऊपर दिए गए बॉक्स में से कोई भी 5 वर्ड्स लीजिए और उनसे सेंटेंसेस बनाइए। तो बच्चों आप ऊपर दिए गए 10 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स चूज करके 5 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हेयर, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड लिसन, सेंटेंस बनाएंगे, वी शुड लिसन केयरफुली इन आवर क्लास। सेकंड, वाइट, वाइट से सेंटेंस बनाएंगे, राम हैज़ अ वाइट डॉग। थर्ड, नो, नो से सेंटेंस बनाएंगे, आई नो यू। फोर्थ, सैंडविच, सैंडविच से सेंटेंस बनाएंगे, माय मदर गेव मी सैंडविच इन लंच। फिफ्थ, डाउट, सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव नो डाउट अबाउट राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना अवेयरनेस कैंपेन, कोरोना जागरूकता अभियान। टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम द कोरोना वायरस वी शुड, हमें अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए, फर्स्ट ऑलवेज वियर अ फेस मास्क, हमेशा फेस मास्क पहनना चाहिए। सेकंड, रेगुलरली वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, अपने हाथों को लगातार साबुन व पानी से धोना चाहिए। थर्ड, अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए व सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।